एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा का दौरा किया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को स्मृति चिन्ह देकर यहां पर सम्मानित किया गया है। दुष्यंत ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा खरखौदा में मारुति सुजुकी प्लांट का जो नींव पत्थर रखा गया है उससे कम से कम 20,000 नौकरियों का सृजन होगा। वहीं केएमपी और मेरठ की नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी से इस इलाके को बहुत फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से सुजुकी से जो उनका रिश्ता बना है इससे उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और हरियाणा प्रदेश में मल्टी नेशनल कंपनीज के आने के रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा कि खरखौदा में इन दोनों प्लांट के स्थापित होने से खरखौदा का विकास गुरुग्राम की तर्ज पर होगा और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी मारुति के दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो खरखौदा में एस्टेब्लिश हुआ उसकी नींव रखी और मैं ये मानता हूँ कि 20,000 के आसपास तो मारुति और सुजुकी उस 900 एकड़ के प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसके साथ सैलरीज जो आएंगी और आने वाले भविष्य के अंदर आप ये देखिए गुड़गांव में कितनों को एम्प्लॉयमेंट दी, कितने ऑफर दिए। मानेसर आने के बाद तो पलवल तक रोहतक तक फैक्ट्रियाँ इनकी एंसलरीज बनी और खरखौदा आने के बाद तो मैं मानता हूँ जींद हो, पानीपत हो, जितने हमारे जिले हैं जिनको हम रूरल काउंट कर लेते हैं वो भी आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन चला। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने आज यमुनानगर का दौरा किया है। यमुनानगर में उन्होंने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ओपी चौटाला ने इस दौरान मौजूदा सरकार पर भी जुबानी हमला बोला। ओपी चौटाला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी और अब न्याय व्यवस्था का भी दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र जांच एजेंसी माना जाता है, लेकिन ऐसे में इनका दुरुपयोग कर सरकार आम लोगों को भी परेशान करने का काम कर रही है। 25 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती में बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे और तीसरे मोर्चे के लिए भी देश की कई पार्टियों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सारे लोग दुखी हैं, परेशान और दुखी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से जुड़ेंगे। 25 सितंबर को हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस फतेहाबाद में मना रहे हैं। मैं आपसे खास तौर से अपील करना चाहूंगा कि आप स्वयं वहां आके हालात का जायजा लेंगे। मंच के ऊपर आपको देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता बैठे दिखाई देंगे। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता को महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के सपने दिखाए थे, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को अब गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करीब 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेला है और महंगाई का आलम आज ऐसा है कि हर चीज आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही है। 2013-14 में हमने मोदी जी को बहुत लंबे चौड़े भाषण देते सुना, बड़े सपने बुनते सुना और देश का युवा हो, गृहिणी हो, हर घर में मोदी जी की बात पहुंची और ऐसा लगा कि मोदी जी जिस तरह से सपने बेच रहे थे इस देश की जनता को लगा कि मोदी जी आएंगे और महंगाई खत्म हो जाएगी। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर कनीना रोड स्थित गांव बचावास में स्थानीय लोगों की एक महापंचायत हुई है। तमाम गांव के प्रतिनिधियों ने इस पंचायत में हिस्सा लिया और 152D के साथ ही अलवर से चंडीगढ़ के लिए नई रेल लाइन बनाने की मांग उठाई। साथ ही रेल संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर भी विस्तार से चर्चा करते हुए उनके समाधान की मांग की गई है। महापंचायत की अध्यक्षता दैनिक यात्री महासंघ अध्यक्ष राम निवास पाटोदा ने की। इस दौरान 21 सदस्यीय रेल संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है। समिति सदस्य अब रेलवे संबंधित मांगों को लेकर जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री से भी मिलेंगे और क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग करेंगे। रणनीति ये बनाई गई है जी, एक रेल संघर्ष समिति बनाई गई है यहाँ और संघर्ष समिति जो है अब इसको जनसंघ बनाएगी। 152D के साथ साथ अलवर से दादरी और चंडीगढ़ की रेल लाइन की मुख्य मांग है जी और हमने प्रधानमंत्री रेल मंत्री जो किसी से भी मिलना पड़ो और इस प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर जो है हम चाहते हैं कि भी यार सर्वे करवा के और गुजरात को जनसंघ बना के और 152 के साथ साथ जो है नई रेल लाइन चल जाए जिससे हिंदुस्तान के अंदर सबसे छोटा रास्ता और सीधा शॉर्ट रास्ता होगा अलवर टू चंडीगढ़। आगे बढ़ेंगे। बिजली के भारी भरकम बिल को लेकर पिहोवा में बिजली कार्यालय के बाहर लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। इन लोगों का आरोप है कि विभाग ने उन्हें भारी भरकम बिजली बिल इस बार भेजे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना भारी भरकम बिल उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा और बिजली विभाग उन्हें कह रहा है कि बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा और अगर कोई दिक्कत है तो अधिकारियों को इसकी शिकायत करें। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि गर्मी ज्यादा होने और गर्मी में बिजली की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ी है और इसीलिए
भी लोगों के ज्यादा आ रहे हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर कोई तकनीकी खामी मिलती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, एक गर्मी की वजह से कुछ कंजम्पशन है, जब बिल आए तो ऑर्डिंग टू कंजम्पशन ही आए हैं। ये लोगों की ही डिमांड थी कि हमारा बिल को 2 महीने की बजाय 1 महीना कर दिया जाए ताकि जो रीडिंग है उसको स्लैब रेट लग सके। तो उसकी डिमांड को देखते हुए निगम ने फैसला लिया है कि सभी के बिल 2 महीने के बजाय 1 महीने के भेजे जाए। जो बिल आए हैं एक्चुअल कंजम्पशन के बेस पे आए हैं। अगर किसी का बिल कोई गलत बिल आया तो नीचे सी ए साहब बैठे हैं, वो बिल रेक्टिफाई करके दिए। एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद, आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।